सो दिस वीडियो इज़ अबाउट सेटलिंग योर एप्पल अकाउंट बैलेंस। जैसे कि जो लोग कोरियन पबजी या कुछ भी करने के लिए कंट्री रीजन चेंज करना चाहते हैं और रिमेनिंग बैलेंस की वजह से उनका कंट्री रीजन चेंज नहीं हो पा रहा है या किसी और भी कारण की वजह से वो अपना एप्पल अकाउंट बैलेंस सेटल करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। तो इसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, तो अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है, देन मीडिया एंड परचेजेस, देन व्यू अकाउंट। तो जैसे मेरा यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है 4 रुपीज़, ये मेरा रिमेनिंग बैलेंस है जिसकी वजह से कंट्री एंड रीजन नहीं चेंज हो पा रहा है मेरा। तो इसको सेटल करने के लिए क्या करना है सबसे, तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में, देन प्रोफाइल पे अपने क्लिक करना है, पेमेंट्स एंड शिपिंग। तो इसके लिए कोई ना कोई आपको अपना एक पेमेंट मेथड इसमें ऐड करना पड़ेगा, लाइक जो भी ऑप्शंस है UPI एंड नेट बैंकिंग वगैरह, ये चेक कर सकते हैं आप। थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग होने में, क्योंकि मैं अपना पेमेंट कर चुका हूँ और मेरे को ये यहाँ से पेमेंट मेथड हटाना था इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया, बट आपको ये एक ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। देन ऐड करने के बाद में आपको जाना है आईट्यून स्टोर पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको यहाँ पे सेक्शन दिख जाएगा, यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूज़िक वगैरह के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं परचेज़ करने के लिए। तो जो भी आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग बेस्ट सुटेबल हो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने एक ये अमीगो सॉन्ग करके है यहाँ पे है, ये मैंने परचेज़ किया है 11 रुपीज़ का। तो जो मेरा रिमेनिंग बैलेंस था लाइक 7 रुपीज़, वो मैंने अपने UPI ID से पे करके इसको परचेज़ कर लिया और अभी जो मेरा बैलेंस है एप्पल अकाउंट में बैलेंस है वो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं व्यू अकाउंट पे देखने पे, अभी ये 0 दिखाएगा। देखिए यहाँ पे अभी वो नहीं दिखा रहा है बैलेंस क्योंकि वो सेटल हो चुका है। एंड इसके बाद मैंने इजीली कंट्री एंड रीजन भी चेंज कर लिया और जो भी मेरे को गेम डाउनलोड करना था वो मैंने कर दिया है। आप भी सेम स्टेप्स को फॉलो करके इजीली अपना एप्पल अकाउंट बैलेंस को सेटल कर सकते हैं।